Dear students, आज के इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में मैं आपको एक सिंपल सा ट्रुथ बताऊंगा जो कि नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम में टाइम बचाने के काम आएगा। अगर आपके एग्जाम में इन फिगर्स जैसे सर्कल या सिलेंडर, स्फीयर, कोन और हेमिस्फीयर, अगर सर्कल में से क्वेश्चन एरिया पे होगा, एरिया देखना होगा या सर्कमफेरेंस देखनी होगी सर्कल में, इन चार सॉलिड फिगर्स में चाहे सिलेंडर हो, स्फीयर हो, कोन हो या हेमिस्फीयर हो, अगर इनमें से आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव में कर्वड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चीजें देखनी होगी। नीचे ऑप्शन है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है, या तो आपको फार्मूलाज यूज करके उन ऑब्जेक्टिव्स को सिंप्लीफाई करना है, अगर आपके जहन में वो फार्मूलाज नहीं है, यू कैन यू मे फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में पॉसिबिलिटी होगी, द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन जो होगा इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11, रिमेंबर दिस। डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं रिपीट करूंगा, अगर आपके पास सर्कल हो, उसका एरिया या सर्कमफेरेंस देखना होगा ऑब्जेक्टिव में, या अगर आपके पास ये सिलेंडर, स्फीयर, कोन या हेमिस्फीयर, इनमें से कर्वड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम देखना होगा ऑब्जेक्टिव में, अगर या तो आपको फार्मूलाज यूज करके उनको देखना है, अगर फार्मूलाज आपके जहन में नहीं है तब जाके ऑप्शन में जाना है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट मस्ट नेसेसरी डिविजिबल बाय 11। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।